नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप 7000 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर एक नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे और आपको जानना है इस बजट के अंदर मिलने वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जो आप 7000 रुपये के बजट के अंदर जुलाई 2021 में खरीद सकते। तो सारे स्मार्टफोन्स एंड उनके फीचर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। एंड दोस्तों, अगर मैंने कोई स्मार्टफोन मिस कर दिया या आपको कोई सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते। दोस्तों, 5 नंबर पर है टेक्नो स्पार्क गो 2021 और यह स्मार्टफोन इसी महीने लॉन्च हुआ था 7 जुलाई 2021 को। और दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको पावरफुल बैटरी के साथ एक अच्छा लुक्स एंड डिजाइन भी देखने को मिलता है। अब बात करें इसके बाकी फीचर्स की, तो इसमें आपको 6.52 इंच का HD+ TFT डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, जो दोस्तों एक एवरेज सा डिस्प्ले। इसके बाद इसमें रैम मिलता है 2GB, इंटरनल स्टोरेज है 32GB एंड इसकी एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 256GB। साथ में स्मार्टफोन में प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का हीलियो A20, जो दोस्तों नॉर्मल यूज के लिए एक ठीक ठाक प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है एंड्रॉइड गो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है डुअल LED फ्लैश के साथ और सामने की तरफ मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा LED फ्लैश के साथ। एंड स्मार्टफोन से आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। इसमें आपको 5000mAh की लिथियम पॉलीमर की बैटरी मिलती है, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड एक्सेलेरोमीटर सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल सिम, वाईफाई, 4G और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन का प्राइस है 7299 रुपये। और दोस्तों, लेटेस्ट ऑनलाइन डील्स, ऑफर्स एंड टेक रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इसके बाद 4 नंबर पर है रियलमी C11 2021, जो लॉन्च हुआ था 22 जून 2021 को। अब बात करें स्मार्टफोन के फीचर्स की, तो सबसे पहले डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, जिसमें आपको 60Hz तक रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसमें रैम मिलता है 2GB, इंटरनल स्टोरेज है 32GB, साथ में इसमें एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 256GB। और इस स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर मिलता है UNISO-C SC9863A ऑक्टाकोर 1.6GHz प्रोसेसर। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है Realme UI Go Edition बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 11। कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ मिलता है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा LED फ्लैश के साथ और सामने की तरफ मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। एंड स्मार्टफोन से भी आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में स्मार्टफोन में आपको बैटरी मिलती है 5000mAh की एक पावरफुल बैटरी। सेंसर्स में स्मार्टफोन में मिलता है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप एंड एक्सेलेरोमीटर, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल सिम, वाईफाई, 4G और ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसका प्राइस है 6999 रुपये। एंड दोस्तों, और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, 3 नंबर पर है Redmi 9A और दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की काफी पावरफुल बैटरी मिलती है। अब इसके बाकी फीचर्स में आपको सबसे पहले डिस्प्ले मिलता है 6.53 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। इंटरनल स्टोरेज मिलता है 32GB, इसके साथ साथ एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 512GB। और इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का हीलियो G25। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ और सामने की तरफ मिलता है 5 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा। और स्मार्टफोन से भी आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। सेंसर्स में आपको मिलता है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड कंपास, लेकिन दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। बाकी इसमें आपको डुअल सिम, वाईफाई, 4G वोल्टी एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जैसे और भी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, इसका 2GB रैम वेरियंट का प्राइस है 6799 रुपये एंड 3GB रैम वेरियंट का प्राइस है 7499 रुपये। और दोस्तों, टेक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, 2 नंबर पर है Xiaomi Max Pro, जो लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2021 को। और दोस्तों, यह स्मार्टफोन इस वक्त सबसे कम प्राइस वाला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 6000mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप 7000 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर एक पावरफुल बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। अब बात करें इसके बाकी फीचर्स की, तो इसमें 6.52 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। इसके बाद इसमें रैम मिलता है 3GB, इंटरनल स्टोरेज है 32GB एंड इसमें एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 256GB। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है एंड्रॉइड वर्जन 10Q। इसके बाद इस स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर मिलता है UNISO-C SC9863A ऑक्टाकोर 1.6GHz प्रोसेसर। अब कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 13 मेगापिक्सल का है प्राइमरी लेंस एंड साथ में 2 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर और सामने की तरफ मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और इस स्मार्टफोन में आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। साथ में स्मार्टफोन में लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड एक्सेलेरोमीटर सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है।
बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल सिम 4G वोल्टी वाईफाई एंड ब्लूटूथ 4.2 के साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों स्मार्टफोन का प्राइस है 6,599 रुपये। दोस्तों एक नंबर पर है पोको C3, जो दोस्तों पोको की तरफ से एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन का प्राइस 7,000 रुपये के प्राइस रेंज से थोड़ा ज्यादा है। सो अगर आप अपना बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अब बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 6.53 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। साथ में दोस्तों स्मार्टफोन में रैम मिलता है 3GB, इंटरनल स्टोरेज है 32GB एंड इसकी एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 512GB। ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 10Q। साथ में स्मार्टफोन में प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का हेलियो G35, जो दोस्तों इस बजट के अंदर एक काफी अच्छा प्रोसेसर है। अब कैमरे की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 13MP का है प्राइमरी लेंस, 2MP का है डेप्थ सेंसर और 2MP का मिलता है मैक्रो लेंस और सामने की तरफ मिलता है 5MP का सेल्फी कैमरा। एंड स्मार्टफोन में भी आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। साथ में इसमें 5000mAh की लिथियम पॉलीमर की पावरफुल बैटरी भी मिल जाती है। सेंसर्स में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड एक्सेलेरोमीटर सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल सिम 4G वोल्टी वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.0 जैसे और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों इसका 3GB प्लस 32GB वेरिएंट का प्राइस है 7,499 रुपये। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, जिसको जरूरत है उसको शेयर भी कर देना और अगर आपको इस वीडियो के बारे में या कुछ भी सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।